हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम रुखसार बानो और आज हम बताएंगे कि एक मशीन के बारे में जो अविराम कॉलेज में प्रेजेंट है, जो अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवा संस्थान में है. ठीक है, यहाँ पे जो मशीन रूम है वहाँ पे एक मशीन है जिसका नाम है टैबलेट कोटिंग पैन. ठीक है, देखिए इस मशीन को, टैबलेट कोटिंग पैन. देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है टैबलेट कोटिंग पैन. ठीक है, तो आइए हम जानते हैं डिटेल में थोड़ा इस मशीन के बारे में. इस मशीन का यूज़ कैसे होता है? ठीक है, ये मशीन का यूज़ होता है टैबलेट को कोटिंग करने में. जैसे हम लोग बहुत सारा टैबलेट्स खाते हैं, ठीक है, कोई पिंक कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, तो वैसे तो वो जो कलरिंग होता है वो इसी मशीन से होता है. गौर से देखिए, इसी मशीन से टैबलेट का कोटिंग होता है. ठीक है, अब देखिए टैबलेट का कोटिंग बहुत तरीके से होता है, जैसे शुगर कोटिंग होता है, फिल्म कोटिंग होता है, एंटेरिक कोटिंग होता है, फिल्म कोटिंग होता है. ये सारा टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग है. ठीक है, तो इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कोई टैबलेट खाते हैं तो बहुत सारा टैबलेट का टेस्ट अच्छा नहीं होता है. ठीक है, तो किसी टैबलेट का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, किसी टैबलेट का कलर अच्छा नहीं होता है, तो ये सब. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब बहुत सारे चिल्ड्रंस लोग जो होते हैं, बच्चे लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि टैबलेट खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कड़वा होता है टैबलेट. ठीक है, या फिर अब टेस्ट अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं दिखता है, बड़ा होता है, तो वो सब के लिए टैबलेट को हम लोग कोटिंग करते हैं. देखिए कोटिंग करते हैं. ठीक है, तो कोटिंग में क्या होता है कि जो टैबलेट, जैसे शुगर कोटिंग हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा टैबलेट जो होता है वो क्या होता है कि टेस्ट अच्छा नहीं होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं जिसमें क्या होता है, शुगर या मीठापन का टेस्ट होता है. ठीक है, तो उसको हम लोग शुगर कोटिंग कहते हैं. इसी तरीके से और भी कोटिंग होता है, फिल्म कोटिंग होता है, एंटेरिक कोटिंग होता है. ठीक है, ये सारा कोटिंग होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, कलर का जो अट्रैक्टिवनेस होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है ये पैन है. ठीक है, ये पैन जो है ऐसे घूमता है गोल गोल. ठीक है, इसका देखिए नीचे कनेक्शन है. ठीक है ना, इस कनेक्शन को हम लोग लगा देते हैं. जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद यहाँ देखिए इसका बटन है, मेन है. ठीक है, ऑन हो गया. ये भी मोटर को ऑन करना है, ये भी ऑन हो गया. फिर नीचे देखिए ब्लोअर है, टाइमर है. ठीक है, फिर इधर देखिए नीचे नीचे क्या है, टाइम सेट करना है. ठीक है, और इधर क्या करना है, टेम्परेचर भी सेट करना है. ठीक है, टेम्परेचर भी सेट हो गया, टाइम भी सेट हो गया, ब्लोअर भी ऑन हो गया, मोटर भी ऑन हो गया, और इसका जो मेन स्विच था वो भी ऑन हो गया. जब सारा कुछ ये टैबलेट कोटिंग पैन का ऑन हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो पैन है वो ऑटोमेटिक ऐसे गोल गोल घूमता है. ठीक है, इस पर एक चीज़ और होता है, ब्लोअर होता है. ठीक है, तो ब्लोअर क्या करता है, वो जो स्प्रे का काम करता है, टैबलेट यहाँ, सारा टैबलेट यहाँ रख देते हैं, जितना टैबलेट को हम लोग को कोट करना है वो सारा टैबलेट यहाँ रहता है. उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये ऑन होगा, उधर से एक ब्लोअर रहता है यहाँ पे, वो क्या करता है, एयर ब्लो करता है. ठीक है, या स्प्रे करता है. स्प्रे क्या करेगा, कलर स्प्रे करेगा, टेस्ट स्प्रे करेगा. ठीक है, वो सारा चीज़ इस पर स्प्रे होता है. और जो स्प्रे होता है वो कहाँ पर चला जाता है, वो स्प्रेइंग अंदर जो टैबलेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, वहाँ पर चला जाता है. तो जिसकी वजह से जो टैबलेट है वो क्या हो जाता है, कोट हो जाता है. जिससे क्या होता है, या तो उसका कलर चेंज हो जाता है अगर हम लोग कलर चेंज करना चाहें तो, या फिर अगर हम लोग टेस्ट वाला स्प्रे करेंगे तो हम लोग का टेस्ट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टैबलेट है उसका क्या होता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. इस मशीन का यही काम है कि जो भी टैबलेट है हम लोग का, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, जिसका कलर अच्छा नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं. तो ये पैन है. ठीक है, टैबलेट इसमें रहता है और
ऊपर से ब्लोअर आ जाता है, ठीक है। ब्लोअर आने के बाद क्या करता है, वो ब्लो करता है, एयर ब्लो करता है, ठीक है। जब वो एयर ब्लो हो जाएगा तब क्या होगा कि टैबलेट जो है वो कोट हो जाएगा और फिर क्या होगा, पैक होने के लिए वो या अदर टेस्टिंग के लिए वो फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। और अदर टेस्टिंग के लिए जब वो फॉरवर्ड हो गया उसके बाद क्या होगा, वो पैक होके मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। तो टैबलेट कोटिंग पैन के बारे में हम लोग समझ गए। थैंक यू।